पहिया की रगड़न जब उंगली में रगड़ती है तो गर्मी से उसके शरीर में पसीना तर बतर है, कहती निकल तो आए। सारी राजसी सेना को भगा करके राज अशर निकल आए युद्ध क्षेत्र से। जब निकल आए तब जाकर के पीछे मुड़ करके देखा राजा दशरथ ने कि कैकेयी के सारे शरीर से पसीना टपक रहा है। राजा दशरथ विचार करने के, रानी रथ हाँक हम रहे हैं और तुम तो खाली बैठी हो तो बढ़िया हवा लगती है, फिर भी तुम्हारे शरीर से पसीना टपक रहा है, ये पसीना कैसा, गर्मी कैसी? तब कह के ऐसे गिरा सुनाई से। राजा दशरथ बोले, देवी तुम्हारे शरीर से पसीना कैसे टपक रहा है, ये इतना पसीना क्यों बह रहा है? तो कैकेयी कहने लगी, राजन कुछ पूछो ना, जिस समय तुम्हारे रथ के पहिए की धुरकुल्ली निकल गई तो धुरकुल्ली की जगह पर मैंने अपनी अंगुली लगा दी। तब कैकेयी इस गिरा सुहाई और साधे धुरी ही आलो आई। देखो राजन, जब तुम्हारे पहिए की धुरकुल्ली निकल गई तो उसकी जगह पर मैंने अपनी अंगुली लगा दी, उसी अंगुली के सहारे तुम्हारे रथ की पहिया रुकी रही और रुके रुके पहिया यहां तक आई, उसी की रगड़न से शरीर में गर्मी आई है, उसी गर्मी से हमारा सारा शरीर तरबतर हो रहा है। इतनी बात राजा दशरथ ने सुना, धन्य हो रानी कैकेयी, अगर आज तुम ना हमारे साथ यहां ही होती तो मैं मार डाला गया होता। मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली कौन हो तुम? भाई सोचना है, कन्या भोज तैयार है, जितनी कुंवारी लड़कियां हैं कृपया पंडाल से बाहर निकल ले और कन्या भोज प्रसाद तैयार है, आप लोग प्रसाद पा ले, है ना? बार बार नहीं कहा जाएगा, जितनी भी कन्याएं हैं वो निकल ले और जा करके छोटी छोटी बिटिया लोग बैठो, जा करके प्रसाद, कन्या भोज तैयार है, प्रसाद पाओ, जा करके जाओ जल्दी, चलो जाओ निकाल दो, माताएं बने इनको निकाल दो, जो छोटी छोटी बिटिया लोग बैठी भगाओ। अरे भगाने का मतलब ये नहीं कि जल्दी भोजन प्रसाद पाने के लिए भगाओ, हैं? प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। तब कैकेयी यश गिरा सुहाई साधे धुरी कैकेयी बोली, महाराज यहां तक तुम्हारे रथ के पहिया को साध करके मैं यहां तक आई, उसी की गर्मी से हमारे शरीर में पसीना तरबतर हो रही है, उसी लिए मैं परेशान हूं। राजा दशरथ मगन हो गए, कहने लगे, देवी कैकेयी अगर आज मेरे साथ देवासुर संग्राम में तुम न होती तो आज मैं मार डाला गया होता। इस रथ के पहिए की धुरकुली जब निकल गई थी कौन इसको रोकता, कैसे रथ पहिया चलता, हम तो शत्रुओं से घिर गए होते, मार डाले गए होते। राजा दशरथ मगन हो गए, कहा, देवी कैकेयी आज तुम्हारे इस काम पर हम इतना खुश हैं कि मेरे प्राणों की रक्षा तुमने किया है, अगर तुम न होती तो मैं मार डाला गया होता। अब इतना हम खुश हैं कि दुई वरदान जो तुम चाहो सो हमसे अभी मांग लो।
जो तुम कहो सो दुनिया में देने के लिए तुमको तैयार हूं। दो वरदान मांगो, दो वरदान तुम हमसे मांग लीजिए जो तुम्हारी इच्छा हो। तो कैकेयी कहने लगी, महाराज अभी समय हम मंगवो ना करब। ठीक है, दो वरदान हमको तुम दे रहे हो, ये धरोहर के पास में अपने पास रखे रहो और जब कभी समय हमारा आएगा तब मैं वरदान तुमसे दो वरदान मांगूंगी, अब ये तुम रखे रहो। मांगू मांगू पर बोलने लागे और दुई वरदान तहां पर मांगे। दो वरदान वहां पर मांगे थे रानी कैकेयी ने, कहा अपने पास धरोहर के रूप में रखे रहो, जब हमारा समय आएगा तब मैं वरदान आपसे मांग लूंगी। वही राजा दशरथ और रानी कैकेयी घर चले आए अयोध्या को। समय बतीता गया, समय बतीता गया, जब राम जी वन को चलने लगे, राम जी का राज तिलक होने चला है, तब कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, राजन ये राज तिलक बाद में करो, पहले हमारे दो वरदान दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, कौन से तुम्हारे दो वरदान? तो कैकेयी ने कहा, जो हमको देने को कहा था वही वरदान दो। राजा दशरथ ने कहा, मांगो, इसमें कौन सी बड़ी बात, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। तो वहां पर कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि राजगद्दी भरत को और राम को 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास, और ये राजगद्दी जो राम को देने जा रहे हो मेरे पुत्र भरत को मिलना चाहिए। अब कैकेयी 14 वर्ष का वनवास क्यों दे रही राम जी को, जान तो क्यों दे रही? उधर लंका में उमर दशानन की रही, बरस चतुर्दश शेष, अब बरस चतुर्दश कैकेयी कहत शारदा लेश, बरस चतुर्दश कैकेयी चौदह वर्ष का वनवास इसलिए देती है क्योंकि लंका में राजा रावण की आयु 14 वर्ष बची है। 14 वर्ष बची, कितनी जल्दी भगवान जाए राम और उस अत्याचारी रावण का वध करें, क्योंकि शारदा के वशीभूत है कैकेयी, अपने मन से कुछ नहीं बोल रही, जो सरस्वती कह रही वही वो कह रही। भैया जिस समय दो वरदान मांगे कैकेयी ने, जैसे राम को वनवास सुना, राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े और कैकेयी से कहा, कैकेयी मैं पापर हूं, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। रानी कैकेयी राम को वनवास न भेजो, इसके जगह पर कोई दूसरा वरदान मांग लो, अब अगर तुम नहीं मानती हो, मैं पापर हूं राखू मोही आजू मैं पापर वरदान। दूसरा मांग लो, लेकिन राम को वनवास तुम न भेजो। कैकेयी बोली, तुम राजा हो, क्षत्रिय आदमी जो प्रण कर लेते हैं वो पीछे पैर नहीं रखते, तुम राजा भय, अरे जाओ, अब बदलूंगी नहीं, वचन यही रहेंगे चाहे कुछ हो। तो राजा दशरथ बोले, कैकेयी तू नहीं मानेगी, ठीक है, सच ही
आज मुझे अंधी अंधों का श्राप याद आ रहा है, कह के बचपन में जब मैं जवान था, नौजवान था, तो मेरे हाथ से श्रवण कुमार का वध हो गया था। उसके अंधा माता पिता ने श्राप दिया था कि राजा दशरथ, जैसे हमें तुम दुख दे रहे हो, समय आने पर तुम्हारे प्राण पुत्र के शोक में ही निकलेंगे। आज मुझे वही बात याद आ रही। रानी कैकेयी, हमसे धोखे से हमने श्रवण कुमार मृत्यु का शिकार हुआ, धोखे से। राजा दशरथ जानबूझकर नहीं, धोखे से श्रवण कुमार को बाण मारा, धोखे से हिरण समझ करके। एक पद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बढ़िया पद है भैया। लोग कहा करते हैं कि सर्वन सत्य धारी देखो, अरे लेने चलो नीर रे, चलते चलते सर्वन पहुंचे सरे जू के तीर रे, चलते चलते सर्वन सर्वन सत्यधारी देखो, सर्वन सत्यधारी देखो, सर्वन सत्यधारी सर्वन पहुंचे सरजू के तीर रे, चलते चलते सर्वन श्रवण कुमार के माता पिता अंधी अंधा मात पिता को कामर में बैठाए के सरजू जी के तट पर पहुंचा तीरथ सब करवाए, सरजू जी के तीरथ सब। और उधर अवधपुरी का राजा दशरथ खेलन गयो शिकार रे, धनुष बाण हाथों में लेकर निकल गयो उस पार रे, धनुष बाण निकल गयो उस पार। मिर्गा के धोखे मारा, मिर्गा के धोखे मारा सरवन के तीर रे, चलते चलते सरवन पहुंचे सरजू के तीर रे, चलते चलते राजा दशरथ कौशल्या से बता रहे हैं। कौशल्या, जब मैंने बाण छोड़ा, मैंने समझा कोई हिरण पानी पीने आया है, लागा बाण तुरंत छाती में हाय हाय चिल्लाया था, पिता की सेवा करन को जल भरने को आया था, लागा बाण तुरंत छाती हाथों,
जिस समय राजा दशरथ को श्रवण कुमार ने अपना परिचय दिया तो राजा दशरथ ने कहा तब तो ये बड़ा पाप हो गया है, जानबूझ के धोखे से मेरा बाण तुम्हारे लगा है श्रवण। राजा दशरथ से श्रवण कुमार कहेगा राजन अगर धोखे से तुम्हारा बाण मेरे लगा है तो तुम्हारे तुम पर पाप नहीं लगेगा, लेकिन एक काम करो मेरे शरीर से बाण खींच लो और मेरे अंधे अंधी अंधा माता पिता राह देखते होंगे प्यास के बिना, उनको पानी जरूर पिला देना। जिस समय राजा दशरथ ने बाण खींचा ओमकार कहकर के श्रवण के प्राण निकल गए। जब श्रवण के प्राण निकल गए तो राजा दशरथ ने विचार किया पहला पाप तो हो गया, अब अंधी अंधा बैठे हैं प्यास के मारे मर जाएंगे, तीन पाप हो जाएंगे। घड़े को लिया और सीधे चल दिए अंधी अंधों के पास। राजा दशरथ लेकर के घड़ा दूर से हाथ कांप रहे हैं। जब अनजाने में कोई पाप हो जाता है, आप रास्ते रास्ते जा रहे हो और अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो शरीर सब कांपने लगता है, चाहे इतनी ताकत हो चाहे इतनी बुद्धि हो सब भ्रष्ट, शरीर कांपता है अचानक जब कोई अनहोनी हो जाती। अब राजा दशरथ का हाथ के हाथ कांप रहे हैं, घड़ा लेकर के गए हैं जल अंधी अंधों को देने लगे, अंधी अंधा सब कुछ गए ये हमारा बेटा नहीं, हमारा बेटा श्रवण होता तो बोलता और ये चुपचाप हाथ हिल रहे हैं, ये क्या बात। थर थर हाथ कांपते देखा बोल उठे तू कौन है, अंधी अंधा बोल पड़े। थर थर हाथ कांपते देखा बोल उठे तू कौन है, सत्य बता दे आज यहाँ पर खड़ा हुआ क्यों मौन है, सत्य बता दे आज यहाँ नहीं बोलोगे तुम चाहे कोई हो, अगर बोलोगे नहीं तो जिद हमारी भी, मुख से जो बोली हो नहीं, मुख से जो बोली हो नहीं, मुख से जो बोली हो नहीं, तो पीऊ नहीं नीर रे, चलते चलते श्रवण पहुंचे सरजू के तीर रे, चलते चलते श्रवण बोलोगे नहीं तब तक तुम्हारे हाथ का जल नहीं पी सकते। तो अंत में राजा दशरथ को बताना पड़ा कि हम तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारे पुत्र के कातिल, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु मेरे हाथ से हो गई है, इसलिए हम जल लाए हैं। जेके एक लड़का हो अभी के लड़का कोई मान डारे अतके महतारी बाप से कहे लो खाना पानी खाओ पियो, खाना पानी कही अंधी अंधा रोने लगे, राजन ये तुमने क्या किया, चलो हमें वहीं ले चलो जहां हमारे पुत्र की लाश पड़ी। आज अंधी अंधों को लेकर के राजा दशरथ वहीं पर आए जहां श्रवण कुमार की लाश पड़ी, लाश को पकड़ करके दोनों अंधी अंधा रोने लगे और राजा दशरथ से कहने लगे क्या बोले राजन अब मेरा दुनिया में कौन है, अंधे का सहारा यही लकड़ी था, उसको तुमने मेरा चिराग बुझा दिया, अब मेरा कौन है,
पुत्र से बड़ी ममता किसी पर होती नहीं। तो जाओ राजन, मेरा कौन है दुनिया में, मेरी व्यवस्था करो। क्या लाए जो पान पिटारी, लाए जो पान पिटारी, हमारी गौने की तैयारी। लाए जो पान पिटारी, हमारी गौने की तैयारी। लाए जो पान पिटारी, हमारी गौने की तैयारी। ससुरे की तैयारी, लाए तो पान पिटारी, हमारी गौने की तैयारी। लाए तो पान पिटारी, टोला पड़ोसी सब देखने हैं, टोला पड़ोसी सब समारे। रची रची सखिया मोरी मांग, रची रची करत श्रृंगारी, रची रची करत श्रृंगारी, हमारी गौने की तैयारी। सबका यही हाल होना है राजन। अरे चारी का हरवा डोलिया लई चली है, चारी का हरवा डोलिया लई के डोलिया गंगा पर है, ले पर डोलिया गंगा पर। क्या करेंगे फेंकी है लकड़िया डारी, लकड़िया डारी, हमारी गौने की तैयारी। लाए तो पान पिटारी, इस प्रकार से आज अंधी अंधों ने राजा दशरथ को श्राप दिया। राजन जैसे पुत्र के वियोग में हमका निपोता बना दिए हो, याद रखना जब तुम्हारे भी प्राण निकलेंगे तो प्राण तुम्हारे पुत्र के वियोग में ही जाएंगे। आज राजा दशरथ वही बात कहते हैं रानी कौशल्या, ये अंधी अंधों का श्राप मुझे याद आ रहा है। उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जैसे हमारे प्राण पुत्र के बिना निकले हैं तो तुम्हारे भी प्राण पुत्र वियोग में जाएंगे। आज वही दिन आ गया है, आज वही दिन आ गया है। सोई विपत्ति परी अब आई, अब गए सिया राम लखन दो भाई। रानी कहेगी आज वही दिन वही समय आ गया है जब राम लक्ष्मण दोनों भैया वन को चले गए हैं। आज राजा दशरथ एक नहीं कितनी बार राम राम कही, राम कही अपने मुखारविंद से, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 बिनु तनु तजा, राव गयो सुर धाम। महाराज दशरथ प्राण निकलते समय आज अपने मुखार बिंदु से 8 बार राम 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 कह करके उनके प्राण सीधे
स्वर्ग लोक को चले गए। भक्तों देखा, एक सतवंती समाज के कारण आज प्राणों के कलेजे अपने प्यारे राम को अगर रानी कहकी 14 वर्ष के लिए जंगल को न भेजती तो आज में क्या इतना सुंदर समाज हो पाता? क्या दुनिया से राक्षस मिट पाते? प्राणों के कलेजे मैया कहकी ने राम प्राणों से प्रिय थे, लेकिन उसको मालूम था शारदा के वशीभूत होकर के कह रही आज मेरे बंधु कैकेयी न होती तो आज इतना ये सुंदर समाज न होता। राक्षस कितने थे, संत ऋषि मुनियों को सुख भगवान जब जंगल को गए, जब जंगल को बड़ा आदमी जंगल को जाएगा रहे उठे बैठे तो उसको पता चल जाता है कि घर में आनंद है कि जंगल में आनंद है। सज्जनों आज महाराज दशरथ 8 बार राम 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 कह करके उनके प्राण सीधे चले गए। इस प्रकार से कहने का मतलब भारत देश की जो नारियां हैं चाहे अपनी संतान को धर्मात्मा बना दे, चाहे महात्मा बना दे, चाहे दुरात्मा बना दे, ये भारत के उस समाज को बनाने वाली सर्वप्रथम नारी है। 3 सजावत देश को सती संत और सूर, और 3 बिगारत देश को कुलटा पापी क्रूर। समाज अगर 3 लोगों से बनता है, सती यति और सूरवीर छत्री लोग, 3 से समाज बनता है और 3 से समाज बिगड़ता है। चाहे इतना बढ़िया अच्छी समाज लगी होए और 1 कुलटा हुआ पहुंच जाए मानो समाज सब तहस नहस। कुलटा पापी और 1 क्रूर दुष्ट आदमी अगर पहुंच जाए समाज कितना बढ़िया बना हो, अगर वो दुष्टता करे लगे सारा समाज तहस नहस, है ना। इस प्रकार से 3 लोगों से समाज बनता है और 3 लोगों से समाज बनता है बिगड़ता है। समाज में जो कुछ है सब कुछ सतवंती के हाथ में है। सती और यति इनकी एक है गति, सती नारी और यति पुरुष इनकी एक ही दशा है। जो रास्ता यति पुरुष का है तपस्या करना, वही नियम सतवंती नारी का है जीवन में त्याग तपस्या करना, समाज को अच्छे ढंग पर चलाना, ये सतवंतियों के लक्षण हैं, यति पुरुषों के लक्षण हैं। इस प्रकार से भारत देश की महान विभूतियां तब भी थीं और आज भी हैं जो समाज को 3 लोगों के हैं, सती संत और सूर। ये 3 लोगों के बल पर हमारा देश हमारा समाज रुका है। इस प्रकार से मेरे बंधुओं सतियों की गाथाएं बहुत सी हैं, बहुत सी भरी पड़ी हैं भारत देश में। 1 से 1 सतियां हुई हैं जो आदमी माने चाहे न माने लेकिन समझाया जरूर है। रावण इतना बड़ा विद्वान था, मंदोदरी 1 नहीं 1000 बार कहती है, 1000 बार समझाती रावण को। क्या एक बड़ा प्यारी लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है, कहते हैं ना मंदोदरी रावण से कहती है, स्वामी दई डारो सिया का सजनवा हमारे पिया मानो कहनवा, दई डारो सिया का सजन डारोसिया का सजन वहां हमारे पिया मानो साजी समाज जब रघुबर आई है
नंदोदरी समझारी स्वामी साज समाज जब रघुबर आई है भारी सेना साथ माली है भारी सेना पिया कैसे करी हो भिड़नवा कैसे करी हो भिड़नवा हमारे पिया मानो कहनवा संग में हनुमत अंगद अरु सुग्रीवा हनुमत अंगद एक से कई है बल सीमा प्रिया कैसे करी हो भिड़नवा कैसे करी हो भिड़नवा हमारे पिया मानो कहनवा कैसे करी हो दरोसिया का अरे बनरन के आगे ना चली है बनरन के आगे ना लगी है भाग के लुकई हो तुम कौनी गलियां भाग के लुकई हो पिया कैसे करी हो भिड़नवा कैसे करी हो भिड़नवा हमारे पिया मानो कहनवा कैसे करी हो कहे हरि भक्त पिया मानो बचनिया कहे हरि भक्त पिया संग में लई कहे सीता रनिया संग में लई कहे अरे प्रभु जी के परिजा चरणवा प्रभु जी के परिजा चरणवा हमारे पिया मानो समझाया मंदोदरी ने लेकिन रावण एक नहीं माना काल विवश पति कहा न माना जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है काल समीप आ जाता है तो वो किसी की सुनता नहीं चाहे नारी हो चाहे आदमी हो घर का कोई सदस्य हो कितनों समझावे नहीं मान सकता है आज महाराज भगवान राम बन को चले गए हैं सुनी अयोध्या को छोड़ करके इस प्रकार से सतियों की गाथा बहुत बड़ी है दुनिया में सती और यति इनकी एक गति इस प्रकार से आपका यह प्रसंग यहीं पर विराम होता है शेष कथा शाम की मीटिंग में समय से 5:20 हुआ है आराम से आप लोग खड़े हो जाएं आरती हो जाए भैया के भंडारा है 2 घंटा भंडारा भी हो जाए समय से और ताकि समय से कार्यक्रम शाम के मीटिंग में फिर चालू हो सके इसलिए अब आप लोग खड़े हो जाएं प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जगमगे ज्योति जली है राम आरती दीपक प्रेम के बाती आरती भक्त करे दिन राती आरती भक्त करे दिन राती
भगवान की आज के आनंद की भक्त और भगवान की अपने माता पिता की यज्ञ पुरुष भगवान की सनातन धर्म की हर हर महादेव।